हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आप, मैंने जो वीडियोस बनाए उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और आप प्रैक्टिस की हुई कोई भी इमेजेस वगैरह जो भी आपकी होंगी तो प्लीज़ अपलोड कीजिए कमेंट्स में या मुझे मेल कीजिए, ताकि मैं आप सबको दिखा सकूं कि अगर आपने कोई गलती की है या आपने कुछ अच्छा काम किया है तो मैं उधर अप्रिशिएट कर सकूँ या आपको आपकी गलतियाँ बता सकूँ। तो इसी वजह से ये राइनो सीखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वीडियो देखने से आप कुछ नहीं सीख पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस का। तो सरफेस में मैंने इनिशियल लेवल पे जो स्टार्ट किया था पॉइंट से सरफेस बनाना, तो वो हमने किया था। तो आज ये मेरा फेवरेट सेक्शन है सरफेस क्रिएशन वाला जो है। तो मैं आज हमें जो आज सबसे पहला ऑप्शन लेने वाले हैं वो है लोफ्ट का। दोस्तों, लोफ्ट कमांड जो है, ये काफ़ी सारी कमांड्स हैं अपने पास में, जिसमें हम लोग सरफेस टूल्स सरफेस का जो है वो कर सकते हैं। इसमें लोफ्ट एक सबसे बेस्ट कमांड है और इससे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं। सबसे बेस्ट है ये। और आप अगर लोफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो या टेक्निकली ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है या कैसे है, तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सर्च किया करके रखा है, गूगल करके रखा है। आप चाहे तो आप खुद भी सर्च कर सकते हो, बोट हल स्ट्रक्चर, ये आप डाल दीजिए गूगल के सर्च इंजन में, तो आपको ये इमेजेस आएंगी। इमेजेस में जाने के बाद में तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि देखिए, ये जो एक बोट बनी हुई है, इस बोट में एक स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखिए, एक फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कंटिन्यूसली गया है। तो जैसे जैसे बोट का शेप जो मेरा माउस में ड्रैग कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से, मतलब छोटे से धीरे धीरे बड़ा हो गया है, वाइड हो गया है इस जगह पे, और धीरे धीरे वो एकदम पॉइंटेड हो गया है। तो सेम इसी तरीके से देखिए, देखिए तो इसमें भी ऐसा ही सेम है, जो छोटे से फिर बड़ा और बड़े से फिर, तो ये जो बॉर्डर है या ये जो सेक्शन है, तो एक सेक्शन इसी तरीके से चलता है पूरा। तो वही सेम चीज़ हम आज यहाँ पे लोफ्ट से करने वाले हैं। तो मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बना के रखा हुआ है बोतल का, ये देखिए। तो इस बोतल में मैं अभी आपको जस्ट चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि आपको इमेजिन कैसे करना है कोई भी चीज़ को, कि आपको कोई भी चीज़, अभी ये समझ लीजिए बोतल आपको बनानी है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये बोतल नहीं है, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर तो दिमाग में बैठता ही है कि कैसे बनाना है किसी भी चीज़ को, कौन सी चीज़ बनानी है। आपके माइंड में पहले क्लियर होता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है। तो सेम वैसे ही मैंने एक बोतल, ऐसे समझ लीजिए मुझे बोतल बनानी है। तो मैं सेक्शन ये करने के लिए कि समझ लीजिए मुझे इस जगह पे कैसा होगा मेरा सेक्शन, तो मैं एक नई कमांड बताने जा रहा हूँ आपको। सेक्शन, सेक्शन डाल दीजिए, एक जो बना हुआ ऑब्जेक्ट है उसका सेक्शन निकालने के लिए। तो मैंने देखिए पॉइंटर चेंज हो गया है और ऊपर आ गया है स्टार्ट सेक्शन। ये ऑप्शन हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसके लिए ये थोड़ी सी अलग कमांड है, लेकिन आपको लोफ्ट सिखाने के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे इस कमांड का यूज करना पड़ रहा है। तो इनिशियल लेवल पे जस्ट आप देख लीजिए इस चीज को, कि जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके रखा था कि स्ट्रेट लाइन आई है, ये देखिए एक सेक्शन यहाँ पे बन गया है मेरे ऑब्जेक्ट का। तो ऐसे ही अलग अलग जगह पे एक सेक्शन डाल रहा हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर मैंने एक सेक्शन डाला, अब मुझे यहाँ पर बोतल की नेक बनानी है, मतलब गर्दन बनानी है, तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन रख दिया है, ताकि यहाँ से ये सरफेस यहाँ पे जाएगा, फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहाँ पे धीरे धीरे से बड़ा होगा, तो यहाँ एक सेक्शन डाला है मैंने, फिर मैंने एक यहाँ पे सेक्शन डाला है, फिर एक यहाँ पे सेक्शन डाला है यहाँ पे, और एक यहाँ पे डाला है मैंने, ठीक है। राइट क्लिक करके मैंने कमांड क्लोज कर दी है। अभी इस बोतल की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, बेसिकली अभी हाइड कर दिया। तो देखिए मेरे पास में अभी यहाँ पे ये सेक्शंस आ गए हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, सेम बोट के जैसा ही है।
बोट के जो सेक्शंस हम लोगों ने जो इसमें देखे हैं सेम देखिए, छोटे से बड़ा और बड़े से फिर छोटा। यहाँ से पॉइंटेड शुरू होता है, यहाँ पे थोड़ा सा वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, और देन फिर थोड़ा सा पॉइंटेड नहीं होता, लेकिन जो भी है मतलब ये जो एक स्ट्रक्चर है एक एग्जाम्पल के लिए, तो वैसे ही मैंने लिया। अब मैं कमांड देता हूँ लोफ्ट, LOFT, लोफ्ट कमांड दे दी मैंने, इंटर किया मैंने, तो सबसे पहला जो आ रहा है देखिए कमांड में, सिलेक्ट कर्व टू लोफ्ट। तो मैंने सीक्वेंस वाइज मतलब 1 2 3 एक के बाद दूसरा कौन सा चाहिए फिर तीसरा कौन सा चाहिए वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने इसमें मिसप्लेस कर दिया तो फिर लोफ्ट मतलब जैसे कि ये फर्स्ट स्टेशन है, फिर सेकंड स्टेशन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन, तो वैसे ही आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके पास काफी सारे सेक्शंस है तो उसके लिए मैं अभी जस्ट थोड़ी देर बाद बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मैं भी सिलेक्ट करता हूँ, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, नो इशू। तो मैं अभी सिलेक्ट कर्व के सेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 एंड 7, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे सिलेक्ट हो गए और सीक्वेंस वाइज मैंने किए। अब मुझे राइट क्लिक करना है या इंटर प्रेस करना है या स्पेस प्रेस करो, तो मैंने राइट क्लिक कर दिया है। तो देखिए एक लाइन इनके कनेक्टेड लाइन है वो ड्रॉ हो गई है, ऑटोमेटिकली आ गई है, और उस पर कुछ एरोज है, एरोज के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले तो सिंपल वे में स्टार्ट करते हैं, देखिए ये आ गया। तो इस लाइन से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे सीक्वेंस वाइज है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं इसके बाद में आपको ऊपर देख सकते हो ड्रैग सीम पॉइंट्स, अभी ड्रैग नहीं करने मुझे, तो मैं परफेक्टली है मेरे सारी चीजें, तो मैंने राइट क्लिक करता हूँ। तो देखिए एक सरफेस बन गया मेरा, देखिए एक सरफेस बन गया है मेरा जो बोतल के जैसा दिख रहा है उसी सेक्शन से ही बना हुआ है, और एक विंडो भी आई है लोफ्ट ऑप्शंस की। तो इस लोफ्ट ऑप्शंस में देखिए अलग अलग ऑप्शंस है, तो इसमें मैं यहाँ पे देखता हूँ एक भी तो नॉर्मल है, उसके बाद में अगर मैं लूज करता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें यहाँ पे, देखिए ये परफेक्टली देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे देखिए परफेक्टली यहाँ से पास होते हुए, यहाँ से पास होते हुए परफेक्टली जा रहा है। तो अगर मैं नॉर्मल रखता हूँ तो ये हो रहा है, अगर मैं लूज रखता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ, ये देखिए प्रीव्यू का बटन है यहाँ पे, मैंने ऑप्शन चेंज किया, प्रीव्यू देखना है मुझे, देखिए तो यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज हो गया, देखिए तो ये लूज मतलब लूज हो गया, टॉलरेंस लेता है कि एवरेज में स्मूथ जाने के लिए। देखिए एंड और स्टार्ट जो है वो परफेक्ट जो कर्व है उसी को फॉलो करेगा, लेकिन बाकी के सारे जो है वो जैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे तो उसमें स्मूथ लेने के लिए, स्मूथ होने के लिए उसने थोड़ा सा छोड़ दिया है उसको। अगर मैं टाइट लेता हूं, देखिए टाइट, तो टाइट लेने के बाद में प्रीव्यू देखते हैं, देखिए परफेक्ट मतलब आपको थोड़ा सा भी वो ना अंदर ना बाहर परफेक्टली वो वहीं से पास होगा जहां हमारा कर्व है। देखिए अब नॉर्मल में और इसमें फर्क है, दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने सेक्शंस परफेक्ट प्लेसमेंट पे रखे हुए हैं, तो इस वजह से वो नॉर्मल में भी और टाइट में भी सेम आ रहा है। अगर मैं ये सेक्शंस जो है एकदम जिगजैग ऐसे एक यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ रखता और नॉर्मल रखता तो भी वो लूज के तरीके से थोड़ा सा डिस्टर्ब मतलब थोड़ा सा स्मूथ आता, लेकिन अगर मैं टाइट करता तो परफेक्टली ये वो उस कर्व को ही फॉलो करता। आप करके देख सकते हो, आप मुझे एग्जांपल्स भेज दीजिए, फोटोज भेज दीजिए। और उसके बाद अगर मैं स्ट्रेट सेक्शन करता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ तो देखिए स्ट्रेट जाएगा, देखते हैं एक बार करके, ये देखिए स्ट्रेट गया एक सेक्शन, फर्स्ट के बाद सेकंड पे, सेकंड से थर्ड स्ट्रेट जा रहा है, देखिए परफेक्टली स्ट्रेट जा रहा है। और उसके बाद में डेवलपेबल, तो डेवलपेबल में वो नॉट्स पकड़ने की कोशिश करता है, तो अलग अलग नॉट्स होते हैं उसको मैच करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इसका कभी यूज हुआ ही नहीं है और मैं कभी करता भी नहीं हूं और मुझे पता भी नहीं है कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये नॉट्स पकड़ने की कोशिश करता है, ये मैंने कहीं पे पढ़ा था तो मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, लेकिन आपको अगर कहीं भी यूज हो तो जरूर बताइए मुझे। एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स ये परफेक्टली यूनिफॉर्म मतलब हर जगह से जैसे कि कॉर्डन्स होते हैं मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस तो फोर पार्ट में डिवाइड होते हैं,
तो परफेक्टली हर जगह पे सेम आने की कोशिश करेगा ये। ये भी सेम नॉर्मल और टाइट के जैसा ही है मोस्टली, कोई फॉलो करेगा, लेकिन कुछ एक थोड़ी सी मतलब काफी एकदम माइनर सी डिटेल में ही वो चेंज होगा यूनिफॉर्म में। तो दोस्तों ये तो है स्टाइल्स की जो मैंने बताया, और ये चीजें मैं अभी को बताता हूँ। तो पहले इजी वे में स्टार्ट करते हैं, प्रीव्यू देख लिया मैंने, और अभी मैं नॉर्मल करके रखता हूँ, बेस्ट है, मैं हमेशा नॉर्मल ही रखता हूँ, एंड ओके किया। तो देखिए मेरी बोतल यहाँ पे बन चुकी है, देखिए मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, लेयर चेंज करता हूँ। तो एक बार लेयर, नई न्यू लेयर लेके मैंने ऑरेंज, एंड देन इसका लेयर चेंज करता हूँ मैं। ये देखिए ये मेरा यहाँ बन चुका है। और अगर आपको इसको कैप करना है तो आप कैप कर सकते हो CAP, मैंने कमांड ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखिए कैप हो चुका है, पीछे नीचे से पैक हो चुका है और ऊपर से भी पैक हो चुका है, लेकिन ऊपर का अगर मुझे हटाना है तो एक्सट्रैक्ट सरफेस, एक्सट्रैक्ट सरफेस कमांड आ चुकी है मेरी यहाँ पे, इंटर, और ये कॉपी ऑप्शन ऑन है मेरा, देखिए प्लस का साइन है मेरे कर्सर पे, तो कॉपी ऑन है, कॉपी नो कर देता हूँ मैं और इसको हटा देता हूँ मैं और इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर अब ये खुल चुका है, ये देखिए। तो इस तरह से मैं व्यू में आता हूँ, शेडेड में, देखिए तो ये मेरी बोतल बन चुकी है लोफ्ट से। तो लोफ्ट से हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं, जैसे अभी मैं डिलीट कर देता हूँ इस चीज को, अगर मैं देख लीजिए एक ही प्लेन के ऊपर है, तो मैं अभी इसको थोड़ा आगे पीछे करता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस पे करता हूँ ताकि लोफ्ट आ सके। ये देखिए इस चीज को मैं अभी लोफ्ट सिलेक्ट कर लिया मैंने, LOFT, ये देखिए। तो ये मेरा सरफेस बन चुका है यहाँ पे, अलग अलग तरीके का, अलग अलग सॉरी अलग अलग सेक्शन से मेरा बन चुका है, और आप कोई भी ऑप्शन इसमें यूज करके, स्ट्रेट सेक्शन देखिए स्ट्रेट्स आ गए, नॉर्मल नॉर्मल आ गए, देखिए। और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे ऑप्शन है मेरा डू नॉट सिंप्लीफाई, मतलब जो कर्व्स है उसी ही तरीके से वो चलेंगे। रिव्यूल्ड विथ 10 कंट्रोल पॉइंट्स, मतलब ये जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो 10 कंट्रोल पॉइंट्स के हिसाब से ही चल रहा है। अगर मैं रिविल्ड विथ 10 कंट्रोल पॉइंट करता हूँ तो देखिए अभी स्मूथ हो गया है, और डू नॉट सिंपली मतलब कर्व के टॉलरेंस से ही चलेगा, और आप यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो। मैंने 100 कर दिया और प्रीव्यू देखता हूँ, ये देखिए अबे 100 कंट्रोल पॉइंट्स है, मतलब 100 पॉइंट्स आएंगे, और ये टॉलरेंस के लिए है कि कितने दूरी पे पॉइंट्स चाहिए। तो ये देखिए 0.1, वो सॉरी 1 नहीं है, देखिए देखिए उसने यहाँ पे सरफेस स्मूथ करने के लिए थोड़ा सा अलाइनमेंट को मतलब कर्व के जो स्ट्रक्चर को छोड़ दिया है सरफेस ने, देखिए। और अगर मैं इसमें 0.1 करता हूँ तो थोड़ा सा और स्मूथ हो गया, और 0.001 करोगे तो और ज़्यादा स्मूथ होगा। और डू नॉट सिंप्लीफाई मैं हमेशा ही रखता हूँ, और बाद में चाहिए तो हम लोग रिबिल्ड वगैरह करेंगे जो हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो ये चीजें हैं लोफ्ट की, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और एक चीज आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर में, समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक सेंटर से एक जीरो इंटर एक बना दिया है,
स्क्वायर बनाया है। और मुझे किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि गमबॉल से कॉपी होता है क्या, तो मैंने उसका जवाब दे दिया है उनको कमेंट में। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं फिर से आपको यहाँ पे वो भी चीज दिखा रूंगा, मैंने अल्ट प्रेस करूंगा और गमबॉल के जिस भी एरो पे मतलब एक्सिस के एरो पे अगर मैं कॉपी करना है मुझे, तो मैं इसको देखिए कॉपी हो रहा है मेरा, एक बार अंडू करता हूँ, सिलेक्ट, अल्ट प्रेस करके रखा है मैंने, और अभी देखिए ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए ये कॉपी हो रहा है ऑब्जेक्ट मेरा, ये देखिए। अब मैंने यहाँ पे 5 सेक्शंस बना के रखे हूँ, मैं आपको 3D में ही दिखाता हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ LOFT लॉफ्ट, और मैं अभी एक एक को सिलेक्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, अगर आपको समझ लीजिए 5 है तो मैं इजीली वे में सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसको काफी सारे मतलब 30 40 40 50 ऐसे अगर होंगे तो फिर ऐसे सिलेक्ट करने में काफी टाइम लगेगा, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली रहनो कैलकुलेट कर लेगा कि एक के बाद एक कौन सा सेक्शन है, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। LOFT कमांड दे दी मैंने, इंटर कर दिया, देखिए ऑटोमेटिकली उसने ले लिया है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके प्रीव्यू देखता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बन गया है, ये काफी इजी है, कोई इश्यू नहीं आएगा इसमें। लेकिन ये तो मैं एक्सट्रूड से भी बना सकता हूं, तो मैं इसको अभी डिलीट करता हूं, लेकिन मैंने आपको ये कुछ और बताने के लिए किया था। मैंने सिलेक्ट किया इसको और लॉफ्ट कमांड दे दी, इंटर प्रेस किया मैंने, तो अभी देखिए पॉइंट्स हैं। तो समझ लीजिए अगर मैं इस कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ये इसी कॉर्नर से मैच हो रहा है, तो देखिए एक कर्व पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो परफेक्टली एक समझ लीजिए बार बन रहा है यहाँ पे। लेकिन मुझे अभी इसको थोड़ा सा एडिट करना है, तो समझ लीजिए मैं इस पॉइंट को यहाँ मैच ना होते हुए यहाँ मैच होना चाहिए, तो मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा और मैं यहाँ एंड, एक्चुअली मुझे स्नैप ऑन करना पड़ेगा, एंड का ओनली ऑन रखूंगा मैं ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। देखिए ये मैं थोड़ा सा एक एंड पे, अब समझ लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे गया फिर यहाँ पे गया है, ठीक है। फिर मैं इसको वापस से फिर से इसमें यहाँ पे किया मैंने, देखिए मैंने एरो चेंज नहीं किया, जैसे है वैसे। अब राइट क्लिक करके प्रीव्यू देखते हैं हम लोग, ये देखिए अब मेरे साथ में मुझे जो ज्योमेट्री मिल रही है, देखिए सबसे पहले तो ये पॉइंट ऊपर गया, इसका जो एज है देखिए आप, एज यहाँ से फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अब प्रीव्यू देख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ा सा स्मूथ चाहिए तो रिबिल्ड कर सकते हैं, देखिए 10 पॉइंट से रिफाइन करना है तो रिफाइन भी कर सकते हैं, डू नॉट सिंप्लीफाई मेरा जो हमेशा ऑप्शन है, एंड आप उसको ओके कर दीजिए। देखिए आपको कुछ ऐसी चीजें थोड़ी क्रिएटिव चीजें बनानी है या कुछ करना है, तो आप इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप फॉलो कर सकते हो। मैं इसको अभी 20 पे मूव करके रख देता हूँ, ये देखिए ठीक है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखते हैं, कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने सेम डायरेक्टली लॉफ्ट कमांड ले ली सिलेक्ट करके, अब देखते हैं मैं एक यहाँ पे रखा हूँ, एक इससे मैच नहीं करना है मुझे फिर आगे वाला, ठीक है। मैं आपको एक फिर से अलग तरीके से बताता हूँ इसको, समझ लीजिए ये 1 2 3 4 सबका ऐसा ही है पूरा, 1 1 1 1 2 2 2 2 समझ लीजिए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, ओके। जिस व्यू में अभी हूँ मैं, मैंने सिलेक्ट कर लिया है, मैंने लॉफ्ट कमांड दिए, अब ये 1 पे है, ओके 1 पे है, अब ये 1 का 2 पे जाना चाहिए, 2 से 3 पे जाना चाहिए, 3 से 4 पे जाना चाहिए, और 4 से डायरेक्ट फिर 1 पे आना चाहिए। तो देखिए अभी क्या ज्योमेट्री मिलेगी, तो ये देखिए, तो ये एक ट्विस्टेड बार बन चुका है, जैसे कि हम लोग किसी चीज को ट्विस्ट कर देते हैं, तो ट्विस्टेड एक चीज बन चुकी है अपने इस पे। मैं इसको -20 मूव करके रख देता हूँ, ये देखिए
इस तरीके से दोस्तों आप बना सकते हो लोफ्ट से काफी सारी चीजें, आप काफी सारी अच्छी अच्छी ज्योमेट्रीज या आप शेप्स बना सकते हो सरफेस से बना के। और आप इसको अच्छे से अगर आपको और करना है तो इसके बारे में और भी डीप नॉलेज अगर चाहिए तो जरूर कमेंट में लिखिए, तो मैं लोफ्ट के बारे में और भी जो सीक्रेट्स हैं और अलग अलग ऑप्शंस हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिससे आप लोफ्ट कमांड को अच्छे से यूज कर पाओगे और एक आउट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि आप इमेजिनेशन, आप कुछ भी इमेजिनेशन करो तो आप लोफ्ट से बना सकते हो। बस आपको कर्व को सही डायरेक्शन में रखना है, सही पॉइंट के डायरेक्शन में लेके जाना है और सही तरीके से सीक्वेंस में लगाना है या सेलेक्ट करना है। तो आप परफेक्टली इसी चीज से, सिर्फ लोफ्ट से ही काफी सारी चीजें बना सकते हो। आप पूरी की पूरी रिंग बना सकते हो, बैंगल बना सकते हो, और जो आप कोई भी कमांड नहीं कर सकता इस सरफेस में वो लोफ्ट कर सकता है। बस आपको कर्व का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसका प्लेसमेंट का नॉलेज होना चाहिए और आपके दिमाग में ऑफकोर्स एक ज्योमेट्री रेडी होनी चाहिए, जिसका आपको स्ट्रक्चर आपके दिमाग में ही रेडी होना चाहिए कि आपको बनाना कैसे, कौन सा सेक्शन कहाँ रखना है, जैसे कि मैंने आपको बोतल में बताया था। तो दोस्तों, और अगर आपके पास आपको और उसकी जानकारी चाहिए तो आप मुझे जरूर कमेंट में लिखिए, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा जो इसका पार्ट बी होगा। अगर आप कमेंट में लिखोगे अच्छे से तो मैं जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, प्रैक्टिस करके प्लीज प्लीज वीडियोस अपलोड कीजिए, क्योंकि ये चीज सिर्फ आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। मेरा काम है कि मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से काम करना है तो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आप मुझे कुछ अपना वर्क या कोई भी ज्योमेट्री बना रहे हो, कोई भी हो जिसके बारे में आपको पूछना है या आपको दिखाना है कि आपने कोई काम किया है, तो जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उस चीज को आपने वीडियो में दिखा के और आपके नाम के साथ में। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप फाइल भेज के आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, अभी के लिए तो इतना ही, और आने वाले अलग अलग वीडियोस में मैं आपको सरफेस से रिलेटेड ही दूसरी कमांड बताऊंगा, कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो सरफेस की जो बताई थी, तो वैसे ही मैं अलग 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 कमांड्स लेते जाऊंगा और इसी से आगे बढ़ते जाएंगे। और सरफेस में सरफेस का जो चैप्टर है, जिसका अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सपोर्ट के लिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।